नमस्कार, आप देख रहे हैं और वॉइस न्यूज। आइए नजर डालते हैं प्रमुख खबर पर। हमारे संवाददाता आर्यन की खबर कुरशैला बिहार से। नारी सशक्तिकरण को लेकर सरकार के द्वारा निरंतर कार्यक्रम तथा अभियान चलाया जा रहा है। वहीं नारी शिक्षा तथा महिलाओं के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में सामाजिक सरोकार स्थापित करने तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण भी दिया गया है। इसी जज्बे का साकार करते हुए कुरशैला प्रखंड अंतर्गत पूर्वी मुरादपुर पंचायत के बसुहार मजदिया गांव की बेटी सरिता सुमन, जिनका विवाह मधेपुरा जिला के चौसा थाना अंतर्गत अरजपुर पश्चिम में हुआ है, उन्होंने न केवल अच्छे ढंग से गृहस्थी संभाली है बल्कि पंचायत चुनाव में जीत हासिल कर मुखिया के पद पर कब्जा भी की है। मधेपुरा जिला अंतर्गत घैलाड़ में आयोजित कार्यक्रम में जिला सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र मालवीय, श्याम बिहारी मीना जिलाधिकारी मधेपुरा तथा योगेंद्र कुमार पुलिस अधीक्षक मधेपुरा के द्वारा सरिता सुमन को भरतपुर पश्चिम के लिटिगेट्स फ्री गांव होने को लेकर उनकी कार्य कुशलता के लिए प्रस्तुति पत्र देकर सम्मानित किया गया। जी हां, बताते चले कि श्री मीना ने अपने संबोधन में बताया है कि अरगपुर पश्चिम गाँव पूर्ण रूप से लिटिगेट्स फ्री गांव है। जी हाँ, जहाँ पर किसी तरह का कांड केस मुकदमा लंबित नहीं है। यहाँ के युवा वर्ग अपने काम काज में लगे रहते हैं। विद्यार्थी लोग पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेते हैं। यहाँ का वातावरण सौहार्दपूर्ण है। जी हाँ, इस गांव में छोटी मोटी समस्या उत्पन्न होने पर यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोग आपस में बैठ कर ही उसका निपटारा आपसी सूझबूझ से समाप्त कर लेते हैं। इस गांव में आपसी भाईचारा का बेहतरीन मिसाल कायम है। जी हां, जिसमें गांव के मुखिया की अहम भागीदारी है। सरिता सुमन को मिले पुरस्कार से मजदिया गांव के लोग काफी खुश हुए। मां बिजली देवी ने कहा कि सरिता बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी। जी हां, और उसे हर्ष है कि वह अपने समाज के लिए कुछ कर रही है। बचपन से ही उसके पिताजी राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत थे, जिसको लेकर उनकी बेटी में भी इस तरह का गुण आना लाजमी था। मैडम, आप अपना परिचय दें। आपने ऐसा क्या कर दिखाया जो आज डीएम साहब, जज साहब और एसपी साहब के द्वारा सम्मानित किए गए, जो डीएम साहब अपने हाथों से आपको वाद मुक्त प्रमाण पत्र दिए। मैं सरिता सुमन, पति सुबोध कुमार सुमन, अरतपुर पश्चिम पंचायत की वर्तमान मुखिया, चौसा प्रखंड, जिला मधेपुरा, माइका मजदिया, कुरशैला प्रखंड, कटिहार जिला। बेटी का सफ़र करके मैंने अपने ससुराल में बहू का सफ़र करने के बाद आज जो मुझे मुकाम हासिल हुआ है, मेरे अरजपुर पश्चिम पंचायत में छोटी सी बस्ती है मधरापुर टोला, वहाँ के मधरापुर के निवासी ने अपनी सूझबूझ शालीनता का परिचय देकर मुझे सम्मान का पात्र दिया। मधरापुर में एक तरह का लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हमें वहाँ बुलाया गया, मैं वहाँ गई और समाज के बीच में मैंने समझाया और कहा कि आप लोग आपस में लड़े झगड़े नहीं, अगर आप लड़िएगा झगड़िएगा उसके बाद आपको केस होगा, केस मुकदमा होगा तो आप बार बार तारीख पे तारीख करना पड़ता है, क्यों अगर पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, लेकिन तारीख पे तारीख यह नहीं छूटता है। और मधरापुर निवासी को इस बात को उसने अपने मन में ठान ली और मेरे रीजन में वहाँ एक भी
केस नहीं हुआ। इसका परिणाम मुझे आज मिला कि मैं उसके एक सूझबूझ ने, मेरी समझदारी ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया और मुझे डीएम साहब के द्वारा सम्मानित किए। मैं डीएम सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं अरगपुर पश्चिम पंचायत की महान जनता और मदरा कोट टोला के निवासी को, एक एक व्यक्ति को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई तो आज हमें यह सम्मान का पात्र हमें नहीं मिलता। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बड़े ही हर्ष की बात है कि आपकी पुत्री सरिता सुमन जी, जो कि मुखिया हैं, और उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया जिलाधिकारी के द्वारा। तो किस तरह का लालन पालन रहा, किस तरह की खुशी है और क्या कहना चाहेंगे इस समय? हम जब से ही बेटी जलम लल गए, हम बेटी सोचे रही कि हमारा बेटी बनो, हमारा नाम रहा कि रामदेव बाबू का हमारी लड़की है, हमारी विद्वान पढ़ी लिखी, मैंने कुछ करी हमारा देखा, तो मैं खुशी रहूँ वही पर कि कभी हम नहीं करो साथ में कुछ सोचो न कुछ बोलो, क्योंकि हमारी बेटी न खुशी से हमारा रख, यही हम खुशहाली बनाना चाहे थे। और खुशी और भी समाज की रक्षा करो, समाज का सेवा करो बेटी, और कुछ नहीं। आज कुर्सेला की बेटी मधेपुरा में जाकर नाम कर रही है और जिलाधिकारी से आज पुरस्कार मिला है, तो मन में खुशी है, प्रसन्नता है। क्या चाहेंगे कि आने वाले समय में और क्या किस तरह का मतलब रहेगा? हमें सोची कि हमारी बेटी MLA बनी जाए, खुशी रहो और समाज का नाम करें। समाज का नाम करो, कटिहार जिला का वर्तमान बेटी के, मधेपुरा जिला का बेटी पुतहु के, और सुबोध बाबू का देन पशुहाग मजदिया का बेटी, और सुबोध बाबू हमारा बहुत दूर तक हमारा बेटी के वहाँ तक देहात तक पहुँचा और भी पहुँचा दे। हमें यही कि हमारा बेटा आज के बेटा कुछ हमारा नाम, यानी बेटी ने आज बेटे के रूप में काम करते हुए समाज का नाम रोशन किया।